चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की सूचना जारी होते ही नगर निगम भिलाई चिरौदा प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से समस्त शासकीय निजी भवनों दीवारों में लगाए गए पोस्टर्स पेंटिंग्स एवं होर्डिंग्स को निकालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कर्मचारियों द्वारा जगह जगह लगे पोस्टर्स को तत्परता से हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। जिलाधीश दुर्ग के आदेशानुसार निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी द्वारा ये कार्रवाई प्रारंभ हुई। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाती है, उसके तहत जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा कलेक्टर महोदय के द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे में की जाने वाली कार्रवाई करना शुरू कर दिया हुआ है। इसके लिए निगम क्षेत्र में पूरी 6 टीमें बनाई गई हैं। ये 6 टीमें जो हैं वो सबसे पहले सभी सरकारी भवनों में, सरकारी भवन और उसके परिसर में अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक राजनीतिक सामग्री लगा है, चिपकाया हुआ है, होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। साथ ही जो सार्वजनिक स्थल हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, जैसे कि जितने भी सार्वजनिक भवन हैं, सामुदायिक भवन हैं, जी रोड है, जी रोड के किनारे में डिवाइडर्स, विद्युत पोल, उन पर जितने भी होर्डिंग बैनर वगैरह लगे हुए हैं उन सभी को कल से हम लोग हटाना शुरू कर दिए हैं। दीवार में अगर किसी तरह की पेंटिंग राजनीतिक लगी हुई है तो उसको भी हटा रहे हैं और इस पर लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसकी जानकारी सतत हम लोग जिला निर्वाचन कार्यालय में भेज रहे हैं। क्षेत्रवासियों से अपील ये है कि आदर्श आचार संहिता का पालन सभी करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करें। इसके तहत किसी भी जो अनुमेय नहीं है, जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती, उन चीज़ों का प्रयोग न करें। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि निजी संपत्ति का विरूपण अगर बिना अनुमति के किया जा रहा है, अगर कहीं पर लाउडस्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के हो रहा है, वाहनों का प्रयोग कहीं भी बिना अनुमति के हो रहा है, तो उसको जो निर्वाचन में लगी हुई रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन तक लेकर के आएँ। इसके लिए RO रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो हैं उनके यहाँ पर तथा जिला कार्यालय में इसके लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।